इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई। आ जाओ इस वाले पॉइंट पर आ जाओ, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी पिछली क्लास। आई आओ इधर आ जाओ, पता नहीं वो डिस्कनेक्ट कैसे हुआ, देखना पड़ेगा। मैंने कहा ना यहाँ पे नेट का स्पीड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा और चेक करा लेंगे क्या प्रॉब्लम है। आज ही प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है वैसे। चलिए इस वर्ड पर ही, अभी से पहले पॉइंट में बता चुका, चार पांच वर्ड जो भी है सब सर्वियंट तक वर्ड इसमें हो चुके हैं, पांच वर्ड इससे पहले वाले पॉइंट में हो चुके हैं, वो डिस्कनेक्ट होगी तो क्या कर सकते हैं, लेकिन सेशन तो पूरा करना है। आइए जल्दी से एक बार, अरे कहाँ चले गए तुम लोग? आ गए सर। हाँ चलिए देखो, इसमें नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, वेटिसिनेट। नेक्स्ट जो वर्ड है ये क्या है, वेटिसिनेट। पिछला वर्ड तो समझ में आ गया ना आपको, जो पिछले सेशन में कट गया, पता नहीं क्या वर्ड, हो सकता है मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई हो, क्योंकि मुझे जो ना टेक्निकली ज्यादा चीजें पता नहीं है, इसमें गड़बड़ कर देता हूँ मैं कई बार, हो सकता है हाथ वाथ लगे हो कहीं पे। चलिए लेट शुरू किया है सर, कोई नहीं कोई नहीं, वो पिछले वाला सेशन देख लेना, मुझसे गड़बड़ होगी, इसमें डिस्कनेक्ट हो गई थी पिछली क्लास। देखिए वेटिसिनेट वर्ड को आई, अच्छा को वेटिसिनेट का मीनिंग बताएगा, इसमें वेटिसिनेट का मीनिंग क्या है, ये देखो तुम्हें अभी जुड़ा है वो, इससे पहले वाला सेशन देख लेना, मिल जाएगा आपको क्लास में पूरा वर्ड, वो इससे पहले पांच वर्ड थे वो डिलीट हो गए, डिलीट नहीं मतलब वहां से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। वेटिसिनेट का मीनिंग, हाँ नोवाइस, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, नोवाइस, मुझे वो बंदे दूसरे हैं जो इन चीजों को चेक करते हैं, लॉकडाउन चल रहा है क्या करें, प्रोफेशन तो अपना बस टीचिंग ही है ना, क्या कर सकते हैं, ये चीज सीख जाऊंगा, पर धीरे धीरे आप लोग साथ रहे तो। वेटिसनेट मीन्स फॉरटेल, बिल्कुल सही वर्ड है विकास सिंह, फॉरटेल। फॉरटेल का मीनिंग क्या होता है? हाँ फॉरटेल बिल्कुल सही वर्ड है, फॉरटेल ही अच्छा वर्ड है इसका, कोई फॉरटेल का मीनिंग बताएगा क्या होता है? फ्यूचर बताना। पूनम कश्यप जी नमस्कार, मुझे लग रहा तुम लेट आई हो, इससे पहले तो हम वीडियो को डिस्कनेक्ट करके दोबारा भी शुरू कर चुके हैं। देखिए अच्छा इस वर्ड को समझने की कोशिश करो, ये जो वर्ड है ये वैटिक वर्ड से याद कर लेना इस वर्ड को, वैटिक का अंग्रेजी का एक वर्ड होता है वैटिक, वैटिक वर्ड सुना कभी आपने? वैटिक मैं बताता हूँ, वैटिक जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इसका भविष्य, भविष्य। एक वैटिकन नाम सुना होगा आपने, वैटिकन, वैटिकन सिटी था, वैटिकन सिटी है, अब था या है पता नहीं मुझे, ये ज्योग्राफी या वगैरह जो पढ़ाते होंगे, हिस्ट्री पॉलिटी जो पढ़ाते होंगे उनको मालूम होगा। हाँ वैटिकन एक सिटी है जो आपने देखा होगा अंग्रेजों के यहाँ पे पोप रहा करते थे वहां पर। उर्दू में एक वर्ड सुना होगा आपने नबी, ये अरबी वर्ड है नबी, नबी का मतलब होता है जैसे नबी से संबंधित, नबी खुदा का एक बंदा के बारे में कहता है जो कहते हैं ना भविष्य से संबंधित होता है, नबी जो वर्ड होता है नबी, नबी जो तुम्हारे फ्यूचर को देखेगा, जो तुम्हारी किस्मत को बनाएगा, वो मोमडन के जो मोमडन से वो जानते होंगे इस वर्ड को, नबी एक वर्ड होता है। तो वैटिक का मतलब होता है भविष्य, नबी उसी को कहते हैं, और वहीं से एक वर्ड बना है वेटिसिनेट, इसी से और भी वर्ड्स बने हैं वेटिसिनेशन, वेटिसिनेशन। तो देखो इतना अच्छा वर्ड है ये मतलब इस वर्ड को आप चेक करेंगे, ये फ्यूचर जो होता है फ्यूचर फॉरटेल होता है, किस चीज बता देना आपने, कौन कौन से वर्ड बताए इसमें, कोई और वर्ड बताइए जो आपको पता हो इसके बारे में। प्रेडिक्ट एक वर्ड सुना होगा अपना, बिल्कुल सही है प्रेडिक्ट, अमित जी प्रेडिक्ट वर्ड बिल्कुल सही होती है। सर आप ही की ही वो क्या स्पाइरल से तो ही वर्ड है,
वही पढ़ रहा हूँ। ओके ओके वो अच्छा है, उससे बाहर वर्ड भी नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, स्पाइरल से बाहर वर्ड नहीं आएंगे। आपने अगर वो कंप्लीट कर लिया तो सब कुछ उसी से है। देखिए, इस वर्ड को हमने भाई जानबूझ के नहीं छेड़ा, ना ही इसका निमोनिक बनाने की कोशिश की हमने, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र शब्द है। और मैं थोड़ा सा इस मामले में, अब आप धार्मिक कह लो या मुझे अंधविश्वासी कह लो, जो वर्ड्स गीता बाइबल कुरान से उठे हुए हैं, मैं उनको कभी छेड़ता नहीं हूँ ज्यादा, उनको उस तरह समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत पवित्र वर्ड होता है वेटिकेट, ये वेटिकन होता है, वेटिक होता है और वेटिसिनेशन होता है, इसका मतलब भविष्य होता है, जो खुदा के यहाँ से बन के आता है, वो चीज जो कुदरत ने आपके लिए दी है, जो भगवान ने नबी ने आपके लिए समझी है, उस चीज को बोलते हैं वेटिसिनेट, वेटिक, वेटिकन और वेटिसिनेशन। तो इसको ज्यादा चेंज मत करना, इस वर्ड को याद कर लीजिएगा आप लोग, तो कुछ चीजों को पंगे नहीं लेते हम लोग ज्यादा, लेकिन यहाँ पंगा जरूर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड चेक कीजिए इसमें, डिफाल्केशन, उसी से वर्ड्स आए थे, CHSL CGL, नहीं उससे वर्ड्स बाहर आते भी नहीं विकास जी, बेफिक्र होकर लगाई है। बेस्ट इंग्लिश टीचर इन द वर्ल्ड, नहीं भाई ज्यादा हो गया ये, मैं बहुत छोटा सा टीचर हूँ, बेस्ट नहीं, आपकी जो इच्छा है उसका अच्छा है, उसका मैं स्वागत करता हूँ, पर फिर भी इन द वर्ल्ड तो बहुत ज्यादा हो गया, इंडिया भी बहुत ज्यादा, एक से एक टीचर पढ़ाए भाई, हम तो छोटे से लोग हैं। देखिए डिफाल्केशन वर्ड को समझिए, डिफाल्केशन को अगर आप चेक करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, ये बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। इसका एक तरीका है याद करने का, बहुत सिंपल से एक पॉइंट होता है, समझिए किस तरह से। अगर आपने किसी को कोई दस्तावेज सौंपे, हाँ ब्लफ, बिल्कुल सही वर्ड है ब्लफ, आपने दिया ब्लफ, एम्बेजलमेंट, डिसेप्शन, बिल्कुल सही वर्ड है, ये देख देख के बता रहे हो तुम्हें याद है। श्वेता पाल जी हाय, बिल्कुल सही हूँ, मैं ठीक हूँ, कंसाइज, कंसाइज भी ठीक है। देखिए डिफाल्केशन होता है कि आपने किसी आदमी को वे रिकॉर्ड दे दिए, आप इसे याद करना, आपने किसी को वे रिकॉर्ड्स दिए जिनमें डिफॉल्ट था, हालांकि डिफॉल्ट बोलना है गलत वर्ड है, फॉल्ट से काम चल जाएगा, पर फिर भी जिनमें डिफॉल्ट था, डिफॉल्ट है तो यही साफ करना, डिफॉल्ट की सेंस में आता है, वो आदमी जो रिकॉर्ड बनाने में डिफॉल्टिंग करता है, उसके रिकॉर्ड्स गलत रहते हैं हमेशा, तो उससे बोलता है डिफाल्केशन, जिनमें घोटाले हो रहे हो, मतलब उन रिकॉर्ड्स को सौंप सौंप देना किसी आदमी को जिनमें क्या है घोटाले चल रहे हैं, घोटालों से संबंधित होता है डिफाल्केशन। एम्बेजलमेंट उसको सही वर्ड दिया था, किसने दिया था एम्बेजलमेंट, ये था आपका अनूप सिंह आर्या ने, एम्बेजलमेंट है, ब्लफ है, डिसेप्शन है, बिल्कुल सही वर्ड्स होते हैं। अनुज सिंह आर्या, आप आगरा से हैं क्या? अनुज सिंह आर्या, आर्या नाम का एक स्टूडेंट आगरा से था। सर आप थोड़ा जल्दी लाइव सेशन लिया करो ना प्लीज। नहीं मंडे से हम लोग रेगुलर आ रहे हैं पुनीत जी, और हाँ मंडे से, लेकिन शाम को ही आया करेंगे इसी टाइम, 10, 10:30, 11 बजे के आसपास ही, वैसे 10 और 10:30 के बीच में ही आएंगे। अब सर मेरठ से ही हो, चलो तो मैं बाई फेस पहचान पाऊंगा, ऐसे तो नहीं पहचान पाऊंगा। एम्बेजलमेंट पूनम कश्यप, बिल्कुल सही, डिफाल्केशन मतलब घोटाले, आपने किसी को कोई दस्तावेज दिए, उन दस्तावेजों में क्या था, उनमें फ्रॉड था, घोटाले थे। तो अगर कोई स्टूडेंट बीच में भी शुरू हुआ हो, ये थोड़ी देर पहले हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, लाइव सेशन था और डिस्कनेक्ट किया, मुझसे कैमरा चला गया था बस, तो इस वजह से दोबारा से क्लास चलानी पड़ी। खैर चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आइए, नेक्स्ट वर्ड है वेल्श। अब इस वर्ड को याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, वेल्श को अगर तुम्हें याद करना हो तो उसका एक तरीका बहुत सीधा सा होता है, उसको समझिए क्या होता है। मान लीजिए एक लड़की है और उसको देखने वाले आए हुए हैं, लड़का भी है और उसके मम्मी पापा आए हुए हैं, ये लड़की है और ये इसे देखने के लिए 3-4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो उसे घर पे देखने के लिए आए हुए हैं। अब लड़के ने, जो बॉय है, इस लड़के ने इस गर्ल से एक क्वेश्चन पूछ लिया। अभी लड़की वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, 3-4 साथ में बैठे हुए, 4-5 इसके साथ में, देखो मुझे तो वर्ड याद करना है किस ना किस तरीके से। तो जैसे ही इस लड़के ने इससे क्वेश्चन पूछा कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, हालांकि क्वेश्चन का पूछता कौन है, तो लेकिन फिर भी उसने पूछ लिया कि मुझे तो वर्ड याद करना। अब चूंकि ऐसा उसने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, तो इस लड़की ने कहा, अब है तो है, अब उसमें क्या कर सकती है, इसने कहा कि हाँ है, लेकिन इसने कहा वेल, ये बोलनी शुरू हुई थी कि सौरव ने बोला चुप हो जा। आप समझिए, लड़के ने पूछा तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो लड़की ने कहा
अभी तो नहीं बोली थी, तो तुरंत ही पीछे वाले के बोले श्श। तो यहां से जैसे इसने वेल बोला, लोगों ने श्श करना शुरू कर दिया। क्या कर दी? चुप कर दी। ये वर्ड है वेल्श। चुप क्यों कर दी? क्योंकि ये लड़के को धोखा देना है उसको। वेल्श मीन्स किसी को धोखे में रखना, किसी भी आदमी को धोखे में रखना। कहते हैं ना मूंड लिया छोरा, मूंडना। मूंडना वर्ड सुना तुमने? मूंडना, मूंडना बताता हूँ। जैसे वो होती है भेड़ होती है, तो भेड़ के जो बाल उतारे जाते हैं, जब उसके बाल बन जाते हैं, उसकी ऊन बनाई जाती है, उसको मूंडना बोलते हैं। उसको अंग्रेजी बोलते हैं फ्लीस, FLEECE, फ्लीस। ये वर्ड याद रखना, फ्लीस। फ्लीस का मतलब होता है किसी को मूंडना, ऊन उतारना फ्लीस होता है। या फ्लीस का एक मीनिंग होता है धोखा देना किसी आदमी को, मूंड लेना। तो वही चीज होती है। लड़के ने पूछा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लड़की ने बताना शुरू किया वेल। आगे बोल पाए इससे पहले क्या बोले? मतलब जो तू कहना चाहते चुप हो जा। और चुप रखा इसको क्यों रखा? क्योंकि इस लड़के को धोखा देना, इस बेचारे को मूंडना है। इसे तो ये लग रहा है कि भाई साहब बस कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, डायरेक्ट आई है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। मतलब ये क्या हुआ, बेचारा लुट गया। तो उसी चीज को बोलते हैं वेल्श, WELSH, वेल्श। वेल्श मीन्स किसी को धोखा देना, किसी को धोखे में रखना, ये ध्यान रखना। इसमें मूंड लेना किसी को। फ्लीस इसका सिनोनिम होता है। फ्लीस वर्ड का रखना, फ्लीस सिनोनिम को कहा जाता है। फ्लीस कोई वर्ड अच्छा सा आपके पास हो तो इसका बताइए। डिसीव एक वर्ड होता है, डिसीव। आप हंसते रहिए इसका वर्ड ना बताइए। डिसीव किसी को बोलते हैं। तो इसी वर्ड को याद करना, वेल्स। अच्छा एक और बताता हूँ, एक कंट्री का नाम है वेल्स, WALES। वेल्स एक देश है जहां पे बहुत सी पहाड़ियां हैं, और वो पहाड़ों वाड़ों से घिरा हुआ एक देश है वेल्स जो होता है। वहां की भाषा भी वेल्श होती है, ये भाषा भी है। अब ये देखना पड़ेगा आपको, मतलब ये ध्यान रखना इसमें। जैसे वेल्स है, वेल्स की भाषा है वेल्स, WELSH, WELSH ये भाषा है, और WALES ये एक देश है। वेल्स देश है और वेल्स एक भाषा, इसे याद कर लेना आप इसमें जो भी होता। लेकिन इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो भाषा है वेल्स भाषा, और एक इसका मीनिंग होता है किसी को धोखा देना, लूट लेना। नेक्स्ट वर्ड भाई, नेक्स्ट वर्ड है आपका लिम्पिड। लिम्पिड वर्ड को याद करना बड़ा आसान है, आप इसे याद कर सकते हैं लिक्विड से। और ये वर्ड बेसिकली लिक्विड के लिए ही यूज होता है। जैसे आजकल गंगा की बात चल रही है, हमने कहा जैसे जब से लॉकडाउन चला है तब से आपने देखो गंगा जो ना साफ हो गई है। तो गंगा क्या हो गया? निर्मल जल हो गया। निर्मल, निर्मल जल। निर्मल क्या होता है? साफ सुथरा। तो जब कोई लिम्पिड हो जाता है, याद रखना। हाँ, पेल्यूसिड, ल्यूसिड उससे वर्ड बना होता है। जब कोई लिक्विड लिम्पिड हो जाता है, लिम्पिड का मतलब होता है साफ सुथरा, निर्मल जल, निर्मल धारा। जब भी पानी कलकल करके बहना शुरू कर देता, तालाब होता है ना, कहना भाई साहब कितना साफ पानी, मछली जमीन तक दिख रही है, समस्या तक दिख रही है, उसी चीज को लिम्पिड बोलते हैं। लिम्पिड मीन्स निर्मल, सौम्य या साफ। इसका मीनिंग होता है साफ, स्वच्छ। बड़ा कॉमन वर्ड है। लिक्विड लिम्पिड करना होता है, हर लिक्विड लिम्पिड होना चाहिए, यानी कि उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टैलिटी होनी चाहिए, वो चीज जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, उसे बोलते हैं लिम्पिड। याद रख लो इस वर्ड को, कॉमन वर्ड है। स्पर्स, डेपर, हाँ सही वर्ड है, चल जाएंगे अभी इसमें। पैल्यूसिड, ल्यूसिड इसी के सिनोनिम्स होते हैं। और कोई वर्ड हो किसी के पास, क्लियर वर्ड आ सकता है, क्लियर वर्ड होता है क्लियर। ऑब्वियस भी इसको बोलते हैं, स्पष्ट, जो ऑब्वियस चीजें हैं उसे भी यही बोलते हैं लिम्पिड, स्पष्ट चीजों को। चलिए नेक्स्ट वर्ड पाइए भाभी, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है इसमें स्क्वेमिश। स्क्वेमिश, स्क्वेमिश का कोई मीनिंग बताएगा? एक्सप्लिसिट, स्नैपी, हाँ इसके तो, हाँ उस वर्ड के ठीक मीनिंग है। डायफेनस तो अलग चीज होता है बच्चे, डायफेनस तो दो से संबंधित होता है, जिसके दो मुख होते हैं एक टाइप के, डायफेनस। चलिए देखिए इसमें वर्ड को, स्क्वेमिश। फ्रजाइल, नाजुक। कोई और अच्छा सा वर्ड लेके आओ इसके लिए, हालांकि नाजुक से संबंधित हो सकता है, संवेदनशील इसका सिनोनिम होता है, एक वर्ड का मीनिंग होता है। चलो मैं याद बता देता हूं इसको, एक ऐसा आदमी जो आप में कमियां निकालता रहे। हाँ चूजी बिल्कुल सही वर्ड है इसका, एक ऐसा आदमी जो कमियां निकालता रहे, और वो उसकी जो ना मर्यादाएं टूट जाती है छोटी छोटी बात पे, शान और शौकत टूट जाती है थोड़ी थोड़ी बात पे। जैसे मैं बता देता हूँ आपको इसमें,
ये इश्क है वर्ड को आप इश्क से याद करना, आप ये मत सोचना जी गुरु जी कैसी कैसी बात बताते हैं, मुझे तो वर्ड याद करना, मैं इन चीजों से बहुत दूर रहा हूं उसमें से। इश्क को याद करना इश्क से। आपके पापा बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है आपके पापा दुनिया के बेस्ट पापा है, एग्जाम्पल है, आप पापा को पहचानना चाहते हो तुम्हारे पापा कितने धार्मिक है या कितने मतलब ब्रॉड माइंडेड है तुम्हारी फैमिली, उसका चेक करने का एक सीधा सा तरीका है, आप इश्क कर लो और पापा से जाके बता दो। मान लीजिए आपके पापा का नाम है महेंद्र, जैसे ही तुमने इश्क किया और पापा से बताया, पापा बन जाएगा अमरीश। अमरीश पूरी नाम सुना तुमने, तुरंत दुश्मन बन जाएगा, तुरंत शान और शौकत सामने आ जाएगी। साथ में यहां से याद रखना, इसको याद कीजिए इश्क से और बाकी अमीश को याद कीजिए अमरीश पुरी से। जैसे ही बच्चे इश्क करते हैं बाप अमरीश पुरी बन जाता है, छोटी छोटी बातें पंगा शुरू कर देगा, हमारे शान और शौकत ठाकुर हैं, हम गरीब लड़के से प्यार कर लिया, मर जाएंगे, काट देंगे, ये कर देंगे कर देंगे, मतलब उनकी शान और शौकत टूट जाती है तुरंत। उनकी जो तरीका होता है ना, मतलब कि हम ठाकुर है, ठाकुरवाद हो तो जल्दी कैसे टूट जाएगा भाई। अगर किसी गरीब लड़की से कोई बड़ा जमींदार का बेटी प्यार कर ले, बड़े जमींदार का बेटा किसी गरीब लड़की से प्यार कर ले, हालांकि मैं प्यार के चक्कर में नहीं हूँ, कभी आप सोचो मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताना है, कभी मेरी बात को और तरीके से ले जाओ, मैं तो पॉइंट समझा रहा हूँ उसमें कि जब आप जमींदार हो और आपकी शान और शौकत बहुत बड़ी है, तो बेटे ने किसी गरीब लड़की से प्यार कर लिया, शादी करने की बात करें, तो वो शान और शौकत टूट कैसे जाएगी भाई? जो आपने 50 साल में अपनी हैसियत बनाई है वो छोटी सी बात पे कैसे खत्म हो जाएगी? वही चीज है इश्क है, इश्क करते ही बाप क्या बन जाता है? अमरीश बन जाता है, तुरंत मार काट मचा देता है, तुरंत लड़ाई झगड़े शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत संवेदनशील है, छोटी सी बात पर तुनक मिजाज होता है, इस आदमी को बोलते हैं स्क्वैमिश। ऐसा आदमी जो छोटी छोटी बात पर अमरीश पुरी की तरह मारने काटने के तैयार हो जाए, उसे बोलते हैं स्क्वैमिश। मतलब वो छोटी सी बात पर संवेदनशील हो जाता है। संवेदनशील मतलब तुम में कमियां निकालेगा, आप बताओ कि पापा एक लड़का है तो तुरंत उसमें कमियां निकालने की शुरू कर देते, वो होता है स्क्वैमिश। स्क्वैमिश का मतलब नुकता चीनी निकालने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला, छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाने वाला, संवेदनशील आदमी को स्क्वैमिश बोलते हैं। क्या क्या मीनिंग बताया? संवेदनशील, संवेदनशील आप समझते हैं, छोटी छोटी बात परेशान हो जाएगा, नुकता चीनी निकालेगा, या वो बहुत छोटी सी बात पे अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देता है। तो कोई सिनोनिम बताएगा इसका क्या हो सकता है? कोई सिनोनिम बताए इसको, एक वर्ड क्या हो सकता है स्क्वैमिश का? मैंने इतना मीनिंग बताया इसको, तुम्हें याद तो होंगे नहीं। ये क्या लिखा रहता है? सर मनुमित का क्या सिनोनिम होगा? अरे ये तो चीज आ जाएंगे धीरे धीरे। कैपेसियस, नर्वस, नहीं नर्वस तो नहीं कह सकते, नर्वस अलग होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा फास्टिडियस, सुना कभी? सिनिकल कह सकते हैं, सिनिकल, फास्टिडियस सुना? फास्टिडियस, फास्टिडियस मतलब तुनक मिजाज, वो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है। स्क्वैमिश का जो एग्जैक्ट सिनोनिम होता है वो होता है फास्टिडियस। फिनिकी एक वर्ड होता है, फिनिकी, FINICY, फिनिकी, ये फिनिकी वर्ड याद रखना, फिनिकी एक वर्ड होता है, इसमें आता है, इस वर्ड को याद रखें, फिनिकी। एक वर्ड होता है क्यूजी, एक क्यूजी वर्ड होता है, QUEASY, क्यूजी। हालांकि सिनोनिम्स नहीं बता रहा हूं आज की क्लास में आप लोगों को इसके, इनको आप एक बार समझ के चलना। हु इज हार्ड टू प्लीज, हाँ फास्टिडियस का मीनिंग होता है हु इज हार्ड टू प्लीज। तो आज तो मैं चलो मूड किया, अब मैं बोर हो जाता हूँ घर पे बैठा बैठा, आपको बाय फेस तो नहीं देख पाता लेकिन बाय नेम तो देख ही सकता हूँ आप लोगों को जो भी है, क्योंकि बिना पढ़ाए हम रह भी नहीं सकते। तो तरीका यह है कि मंडे से हम लोग भाई शाम को 8:30 बजे के बीच में मंडे से हम कोशिश करेंगे रेगुलर आए लाइव पे आप लोगों के सामने, आपके डाउट्स वगैरह से देखें जो भी है। और मंडे को चलो मैं कोई ग्रामर का टॉपिक उठाता हूँ कोई भी, अब कौन सा टॉपिक उठेगा वो भगवान जाने, लेकिन देखते हैं मंडे को क्या टॉपिक उठाएं। और सर क्लास का टाइम रेगुलर यही रहेगा? हाँ 10 और 10:30 के बीच में मैं लाइव आ जाऊँगा, ये कभी कभार इसमें दिक्कत आएगी ना तो वो देख लेंगे। दूसरी मैं फिर भी बता दूँ आपको, अगर आपको कंप्लीट कोर्स लेना है तो वो परचेज करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन आपका सिलेबस चलता रहेगा। उसके लिए आपको कोई डिटेल चाहिए तो मैंने नंबर आपको दे दिया था, उसमें आपको पूछ लीजिएगा आप, उसमें अगर आपको डाउट है कुछ चीज़ कंटिन्यूटी करनी है तो। डेली क्लास का टाइम हाँ यही रहेगा इसमें। तो ये 10 वर्ड्स आपने कर लिए, इनको अपना तैयार कीजिए, नेक्स्ट वर्ड में नेक्स्ट मंडे को मैं आ रहा हूँ तो नेक्स्ट क्लास में मैं इन वर्ड्स को आपसे पूछूंगा। जो बच्चे इस क्लास में बीच में आए हैं वो इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास, जिस वजह से दोबारा शुरू करने पड़े। अच्छा यहाँ पे कोई क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
साउंड में पिक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं? अगर दिक्कत हो तो हम चलो चेक करेंगे उसको। ठीक है ठीक है, चलिए बच्चों मंडे को मिलते हैं 10 और 10:30 के बीच में, तो कोशिश कीजिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हो जो जुड़ना चाहें हम लोग को सबसे बता देना आप लोग। चलिए गुड नाइट सभी को, गुड नाइट तो कर दो, गुड नाइट तो कर दो। नो सर ऑल गुड, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच रूपल भारद्वाज, थैंक यू। श्वेता पाल तुम क्यों हंस रहे हो? श्वेता क्या हो गया? ठीक है सर जी, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय।